श्री नवा कुमार सरनिया जी, थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया है और उसके दिशा निर्देश में जो राम मंदिर बना है और 22 जनवरी का जो हिस्से के लिए है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा हो उसके लिए मैं देश भर के सभी करोड़ों हमारा राम भक्तों और सनातनी को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, शुभेच्छा हो। सर, मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, ये हमारा जो आदिवासी लोग है, प्रकृति पुजारी है, उन लोग भी चाहते हैं जो हमारा स्वर्णावाला हो या बाठावाला जो भी हो, उन लोग भी चाहते हैं उनका भी धर्म का, उनका भी जो विश्वास है उसको भी इतना ही ये मिले, सम्मान मिले। मैं हमारा मोदी जी से, हमारा अमित जी से चाहूँगी जब उन लोगों को भी सुना जाए और उन लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए, क्योंकि जो राम का हिस्ट्री है या उनका जो आइडियल है वो हमारा असम में भी हमारा अमित शाह जी ने बोला ही है, हमारा शंकर देवो और माधव देवो ने जो भक्ति आंदोलन था उसी टाइम प्रसार हुआ था, और आदिवासी ने भी उनका लड़ाई के टाइम में जो भद्रशाली का पता, मुझे भी मौका मिला था लास्ट ईयर में उसको विजिट करने का, तो भी हमको सुनने में मिला जो वही से ही सीता देवी किडनैप हुआ था और हमारा आदिवासी लोगों ने बहुत सारा उसको मदद किया है। और जो हमारा लोग सोचते हैं जो राम राज्य लगभग ये सपनों का राज्य है, वह न्याय होगा, शांति होगा, भाईचारा होगा, हम चाहेंगे आने वाला दिन में भी हमारा भारतवर्ष में न्याय, शांति, अमन हो, यही हम उम्मीद करते हैं। और हमको दो बार संसद सुन के भेजा है हमारा लोगों ने, तो मैं उन्हीं को यही से बधाई देता हूँ और आने वाले जो इलेक्शन में सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। कौन जीते कौन आए वो कोई बात नहीं है, लोगों ने जिसको आस्था भरोसा रहेगा वो भी आएगा, और मेरे तरफ से संसद में जो लोग जिम्मेदार है, जो लोग यहाँ हमारे सेवा करते हैं, सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और ज़रूर हम देश को आगे जाएंगे और इसी दिन में हम भी चाहेंगे हमारा बीच ऐसा कुछ ऐसा बात ना हो ताकि हमारे में तकरार बढ़े, हिंसा बढ़े। हम चाहेंगे हमारे देश में अमन और शांति हो, यही बात रखते हुए मेरे जो बोलने का बारी है, मैं वही भी हम धन्यवाद।